हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवराज यादव। मोटो व्लॉगिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट सेफ राइडिंग गियर्स। और सेफ राइडिंग गियर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आती है, वो है हेलमेट। तो आज मैं आपको स्टील बर्ड SBA1 R2 के हेलमेट जो कि 2021 मैन्युफैक्चर्ड है उसकी मैं अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ, हेलमेट की साइज़ कैसे चूज़ करें वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड इसके ओवरऑल फीचर्स देखने वाले हैं। तो चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने ये हेलमेट अमेज़ॉन से मंगाया है। इसकी जो सर्टिफाइड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। Get slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with. तो मैंने हेलमेट का कलर ये वाला चूज़ करा था, आप देख सकते हैं, जो कि है मैट ब्लैक विद ग्रे। मुझे एक सिंपल हेलमेट चाहिए था और जो थोड़ा प्रीमियम लुक दे। बाकी आप चाहे तो आपको बहुत से डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, अब आपकी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या फिर आपकी जो बाइक है उसके कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हालांकि मैं थंडरबर्ड चलाता हूँ जो कि लाइटनिंग कलर की, इसलिए मैंने इस कलर का लिया। मेरी जो एंटॉर्क है उसके लिए येलो हेलमेट मेरे पास ऑलरेडी है। तो हेलमेट बाय करते टाइम सबसे पहली चीज़ यही आती है माइंड में कि साइज़ कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी के घर में मेजरिंग टेप तो होता ही है, उसे आप सिंपली आपके फोरहेड जो स्कैल्प है उसको मेज़र करेंगे तो वो साइज़ पूरी पता लग जाएगी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आने वाली है। एंड अभी आपको मैं इमेज स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप हेलमेट बाय करोगे तो आपको उसी के इमेजेस में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 55 से 60 सेंटीमीटर तक अलग अलग साइजेस देकर रखी है। ये मीडियम साइज़ का बिकॉज़ ये मुझे पूरा फिट आ रहा है, मैं आगे आपको पहन कर भी दिखाऊंगा। तो आप आपके मेज़र करके इजीली आपको चार्ट से पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा साइज़ बेस्ट है। ये आपको दो वाइजर्स के साथ आती है एंड दूसरा आपको ये सिंपल वाला वाइज़र मिल जाता है। अगर आपको नाइट राइड करना है तो आपको ये सिंपल वाइज़र भी मिल जाता है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट में यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी नाइट में यूज़ करना है तो वो। इसकी प्राइस मुझे अराउंड 1900 की पड़ी। इसकी जो अमेज़ॉन की सर्टिफाइड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहीं से जाके परचेस कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इस पर, और आपको यहाँ पर विजिबल होगा ये 2021 मैन्युफैक्चर्ड है। अब मैं इसको एक बार पहन कर दिखा देता हूँ कि मुझे कैसा आ रहा है साइज़ में, तो आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। सो अब बात करते हैं कि ये हेलमेट मोटो व्लॉगिंग के लिए क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें रिमूवेबल पैडिंग मिल जाती है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसको वॉश कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आप जब भी माइक लगाओगे ना तो बहुत से लोगों को माइक की एक्स्ट्रा वायर रहती है, उसके लिए दिक्कत आती है, तो आप इजीली इसके अंदर ही डाल सकते हो। तो ये दो बेनिफिट्स मुझे लगे। हालांकि और भी हेलमेट्स में आते हैं बट ज़्यादातर हेलमेट में ये फीचर नहीं प्रोवाइड करा है। नेक्स्ट सबसे प्लस पॉइंट की बात करें तो आप राइड करोगे तो आपकी ऑडियो चालू रहती है, तो अगर आपको एयर अंदर चाहिए, अंदर थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, तो आप ये वाला अगर वेंट ओपन करेंगे तो आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो ये ओपन हो गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट एयर अंदर जाएगी एंड पीछे आप देख सकते हैं दोनों वेंट यहाँ से बाहर पास होगी। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्यों लगी, बिकॉज आपकी एयर यहाँ से पीछे जा रही है तो आपके ऑडियो में ना आप आगे बोलोगे तो आपकी ऑडियो पे कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप इजीली बोल सकते हो अगर आपका ये ऊपर का वेंट खुला भी है तो। बाकी हेलमेट्स में यहाँ पर नहीं रहता है वेंट, या तो वो डायरेक्ट यहीं से एयर पास होती है एंड पीछे से निकलती है, तो ये जो वेंट प्रोवाइड करा है वो मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। अगली चीज़ की बात करें तो ये जो सनवाइज़र प्रोवाइड करा है स्मोक, ये पूरा सनग्लासेस का काम करेगा। आप अगर समर्स में चला रहे हैं, थोड़ी धूप में चला रहे हैं, तो अंदर आपको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आने वाली है, टेम्परेचर पूरा कूल रहने वाला है। तो ये स्मोक्ड सनवाइज़र बहुत ही काम का है और कंपनी दोनों ही प्रोवाइड कर रही है, जिनको सिंपल यूज़ करना है तो सिंपल भी यूज़ कर सकते। एक और चीज़ बताऊं तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत से हेलमेट में देखने में दिक्कत आती है, तो आप अगर इसको पहन लोगे तो विजिबिलिटी पूरी प्रॉपर रहने वाली है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाइज़र है। एंड दूसरी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही लाइट वेट है, तो बहुत से हेलमेट ऐसे रहते हैं कि आप ज़्यादा देर पहनते हो ना तो दुखने लग जाता है, आपके यहाँ पर थोड़ा पेन करता है, बट इसमें ऐसे कोई भी इशू नहीं आने वाला। ये बहुत ही लाइट वेट है तो आप ज़्यादा देर पहनोगे तो आपको राइडिंग में कोई भी इशू नहीं फेस होगा। सो मैंने आपको जो ये वेंट का बताया था काफ़ी एक यूनिक और नया फीचर है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं इनोवेशन वेंटिलेटेड सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा है। लास्टली बात करें तो इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, आप देख सकते हैं
अनकॉमन है, मतलब बाकी देखोगे तो आप नॉर्मली मिलते, पर इसके जो कट्स है आपको बहुत ही स्पोर्टी फील देते हैं। तो गाइज कुछ बाकी एसेसरीज है जो कि मैंने ऑर्डर करी है, 2-3 दिन में आ जाएगी, जो कि फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप से रिलेटेड है। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बने रहना, बिकॉज मैं अभी 3-4 दिन में उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि मोस्ट अफोर्डेबल मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे बनाएं फ़ोन से, जिसमें आपका ये चेन माउंट वगैरह सब कंप्लीट सेटअप होने वाला है। तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेरे अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल जाते हैं, आप एक बार अमेज़ॉन पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। और कुछ भी डाउट है आपको हेलमेट से रिलेटेड या साइज़ से रिलेटेड, कैसे चूज़ करना है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।